सर, जिला पलवल से पिछली बार भी एक बच्चे को बहादुरी पुरस्कार मिला था, तो इस बार सरकार की किस तरह की मंशा है बच्चों के लिए, जो उनको फॉर्म जमा कराने हैं कब तक जमा होंगे और क्या क्या उनमें जो रिक्वायरमेंट है? हमारे पास हरियाणा राज्यपाल कल्याण परिषद चंडीगढ़ से एक लेटर आया हुआ था। पिछले साल ही हमने एक केस भेजा चंडीगढ़ होटल और के पास यशवंत गांव का बच्चा था और गवर्नर साहब ने उनको सम्मानित किया था उस बच्चे को। और इस बार भी हम 17-18 का जो वर्ष है उसमें भी हमारे पास एक लेटर आया हुआ है। और जो जिस बच्चे की उम्र 6 से 18 है, अदम्य साहस का परिचय दिया है, तो वे 1/9/2018 तक जिला बाल कल्याण परिषद बालों में डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकता है और उसके हम चंडीगढ़ आगे इस केस को भेज देंगे। उसमें डॉक्यूमेंट्स सिर्फ ये चाहिए कि उसका डेट ऑफ बर्थ और पहचान पत्र, आधार कार्ड और न्यूज की जो खबरें हैं उसके साथ लगा के देते हैं। और जो बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बच्चे साहस का कार्य किया है, वे जरूर इसका ज़्यादा मौका उठाएं। फिर हम इस केस को हरियाणा बाल कल्याण परिषद को भेज सकते हैं और फिर राष्ट्रपति उसको सम्मानित करेंगे। तो हम सारे डिस्ट्रिक्ट पलवल के जो बच्चे हैं वे सारी इस न्यूज़ को सुने और आगे भविष्य को, अपना भविष्य को उज्ज्वल करें। हम तो यही मानता करते हैं जो जिस बच्चे ने किसी बच्चे ने किसी जैसे चोर का सामना करा हो या किसी तालाब में किसी बच्चे, पहले जो केस आया होता जो 2016-17 का, उसने एक तालाब में बच्चे को बचाया था, डूबते हुए बच्चे को बचाया था, तो उसको बड़ा सम्मानित किया गवर्नर साहब ने और साहस का पुरस्कार भी दिया था, सम्मानित प्रशंसा पत्र भी दिया था। तो मैं यही सोचता हूँ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पलवल के बच्चे हैं साहस का कार्य किया है तो वो अवश्य इस बाल भवन में आकर जमा डॉक्यूमेंट्स जमा कराएं और जिससे हम आगे चल के हरियाणा बाल कल्याण परिषद को चंडीगढ़ इस केस को भेज सकें। देश विदेश के राज्य प्रदेश की सभी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें।